अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंट बोर्ड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर जीरो होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलने जा रहे हैं, अब बेसिक दूसरा जो फार्मूला है वो है पावर रूल का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो मैं कहता हूँ आपको डेरिवेटिव समझने से कोई नहीं रो सकता, बेहतरीन तरीके से आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो लिहाजा आज की वीडियो आपने बड़ी गौर से समझनी है। अब बेसिक फार्मूला में सबसे पहला रूल आ रहा है फार्मूला रूल। अब ये फार्मूला रूल ये जो रूल है ये क्या है, इसको मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं ना, क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 3 लिख देता हूँ। इस तरह लंबे लंबे फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक यूनिट को लूँगा और इसके ऊपर पावर रूल लगाना सिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह हम बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपकी बुक के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक यूनिट, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर पे हम काम करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसको हम आगे भी बताऊंगा कि किस तरीके से बड़ी चीज़ों पर अप्लाई करना है। तो लिहाजा अभी हम सीखते हैं पावर रूल लगाना छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है मेरे बच्चों। चले जी आए, तो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन इसी तरीके से मिल रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगा देगा तो एफ ऑफ एक्स का भी कोई मसला नहीं है। आप डी वाई ओवर डी एक्स लगाएंगे तो उसके साथ एफ डैश आ जाएगा, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। तो मैं ज़्यादातर आपकी बुक में भी वाई दिया हुआ है तो इसलिए मैं वाई लेके चलता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसके ऊपर पावर रूल लगाना है, ठीक है। तो पावर रूल लगाने से पहले जो सोल्यूशन है उसको, जो तरीका है करने का वो लिख लेता, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको इसके ऊपर क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा टेक डेरिवेटिव, ठीक है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। तो हम डेरिवेटिव ले रहे, तो आपको पता है इसकी सिंपल एक फॉर्म क्या होती है डेरिवेटिव की, डी ओवर डी एक्स, सही है। तो y यहाँ पे भी लिख दिया और d ओवर डी एक्स यहाँ पे भी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, x की पावर 4। ये वाली बात समझ आ गई। अब हम बताते हैं कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या होता है पावर रूल, होता है कि डेरिवेटिव लेने का मेन फार्मूला ही यही होता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये 4 लिखा हुआ है, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आती है और पावर में से एक कम हो जाता है, यही आपका पावर रूल है। और यही डेरिवेटिव का सबसे पहला और बेसिक, और हर जगह डेरिवेटिव ही लेने का मतलब ये होता है कि आपने ये काम कर देना है, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि डेरिवेटिव लेके दिखाओ, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जो पावर होगी यानी कि सबसे पहले डी ओवर डी एक्स लगाना है उसके साथ, अब जो पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी उसके साथ, ठीक है। क्या किया आपने, जो पावर ऊपर क्या लिखी थी 4, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिया है और उस 4 में से एक कम कर देना है यानी कि -1 कर देना है, सही है। बस यही चीज है डेरिवेटिव। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि उसका डेरिवेटिव लेके दिखाएं, तो आपको सिर्फ यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना। तो उसको जरा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो 4 था एक्स था, अब 4 में से एक कम कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 3, ठीक है। तो 4 में से एक चला गया तो आपके पास सिंपल 3 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आपने डेरिवेटिव लेना सीख लिया, बस इसी को कहते हैं डेरिवेटिव लेना, दिस इज योर आंसर, सही है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y डैश डाल दें और इज इक्वल टू 4x की पावर क्यूब। तो इसको हम कहेंगे कि ये आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। इस बस इतना सा काम होता है डेरिवेटिव लेना। क्या पावर रूल किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव लेना किसको बोलते हैं, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव लेना हो तो आपने डी ओवर डी एक्स लगाना है, उसके ऊपर जो पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और उसमें से एक कम, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, बस इसको कहते हैं डेरिवेटिव लेना, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे आ जाए तो लिहाजा आ जाए, एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि ये पक्का हो जाए। अच्छा जी, अभी तक तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिया था x की पावर 4, तब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ y इज इक्वल टू x की पावर 9। एक बड़ी चीज़ है, कोई मसला तो नहीं होगा इससे, कोई मसला नहीं होगा, वही बेसिक आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या
पावर नीचे आ जाएगी, उसमें से एक काउंट कर देंगे। तो लादा एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि इसके ऊपर मुझे क्या लेके दो, डेरिवेटिव लेके दो। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने दोबारा उतारा, अब यहां पे लिखेंगे क्या कि टेक डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सिंपल, तो अब आपको पता है कि इसकी सिंबलिक फॉर्म क्या होती है, d ओवर dx का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने डेरिवेटिव इधर भी लेना है, और d ओवर dx का मतलब हो जाएगा कि आपने डेरिवेटिव यहां पे भी लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अब यहां पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं। तो डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला मैंने क्या बताया था, ये तो इसी तरीके से ही उतर के आ जाता है, dy ओवर dx, सही है। अब यहां पे क्या रूल लगेगा, आपको बताया था कि ऊपर जो पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, यानी कि नीचे आ गई, और उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। बस ये काम करना होता है, आपने डेरिवेटिव ले लिया, बस इसको सीधा करके अब लिख दें, यानी कि बस 9 में से एक गया तो आपके पास 8 बच गया, सिंपल। तो ये आपने क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाल लिया है। उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये चीज बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इसके साथ मैंने दूसरा जो तरीका बताया था, वाई डैश डाल के 9x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ आ गई होगी, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव लेना हो, आपको बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन x की पावर 9 है, तो x की पावर 8, 2 और दो तीन चीजें, मतलब दो तीन अल्फाबेट बड़े आ जाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरह थोड़ी बड़ी बड़ी चीज हो जाती है। तो बेसिक रूल आपका यही रहेगा, अगर आपको ये चीज आ गई तो आगे भी बड़े आसानी से समझ आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे बेसिक रूल क्या था कि भाई जो पावर थी, पावर को नीचे मल्टीप्लीकेशन मिला और उसकी पावर में से एक काम कर लिया, तो आपने डेरिवेटिव ले लिया उसका, सही है। अभी तक हमने दो एग्जाम्पल की हैं, उस एग्जाम्पल से एक फार्मूला हमें समझ आना चाहिए, पावर रूल का वो बता रहा हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ताकि आपको वो फार्मूला भी समझ आ जाए, ठीक है। चले, तो आपकी बुक में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल कराई थी, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, 5, 6, इस तरह कुछ भी दे दिया जाए, तो उसने एक जनरल चीज दे दी है एक्स की पावर n। तो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव लेके बताओ, तो कोई मसला नहीं, आपने क्या करना है, सोल्यूशन लेना है, ठीक है। सोल्यूशन लेने के बाद क्या किया कि क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख दिया, ताकि कि आपको चीज ये याद रहे, एक्स की पावर n, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो सबसे पहले लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो इसके लेने हैं, तो आपको पता है इसकी सिंबलिक फॉर्म क्या होती है, d ओवर dx यहां पे भी ले लिया, और इज इक्वल टू d ओवर dx यहां पे भी ले लिया, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो dy ओवर dx, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, तो ऐसी कैसी रहेगा, अब इसके ऊपर क्या रूल लगेगा, क्या मैंने आपको बताया था कि जो पावर में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो n था वो नीचे आ गया, सही है, और उसके बाद उस पावर में से एक कम कर देंगे, 1 माइनस कर दिया, तो ये डेरिवेटिव ले लिया। तो इसको क्या कहते हैं, ये आपका, अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कोई नंबर नहीं है, ये मसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 7 होता तो एक कम करके हम 6 लिख देते, लेकिन n में से कुछ भी माइनस करेंगे तो n एक कॉन्स्टेंट नंबर है बेसिकली, इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते, तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पावर रूल का फार्मूला, डेरिवेटिव का फार्मूला, इसको डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला बोल दो या पावर रूल का फार्मूला बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना। तो लिहाजा ये एक बेसिक फार्मूला है कि जब भी आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव लेना पड़े, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि भाई उसकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, और उसमें से एक कम कर देते हैं। तो लिहाजा इस तरह से आपकी बुक में एक फार्मूला जनरल दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर एन के ऊपर डेरिवेटिव लो, तो पावर नीचे लिया और उसमें से एक कम कर दो, तो उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, और इसी को पावर रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सा फार्मूला था, इसको याद कर लें, और इसको मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा कि ये फार्मूला शीट के अंदर हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज हमारी आगे बहुत ज्यादा यूज होनी है, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलें जी, ऐसे ही मिलती जुलती दो और एग्जांपलें करते हैं, ताकि आपको ये पक्का कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि यही चीज आगे आपको आने वाली है। तो लिहाजा एक क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 24, ठीक है। अब मैंने आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा मुझे इसके ऊपर डेरिवेटिव लेके बताएं, तो कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन लिखा,
सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन दोबारा से हमने कॉपी कर लिया एक्स की पावर 24। अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, आपको जरूर करनी चाहिए, ठीक है। इससे ही तरीका होता है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतने अच्छे नंबर, ठीक है। तो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो आपको पता है कि इसकी सिंबलिक फॉर्म क्या होती है, डेरिवेटिव अगर हम किसी चीज पे ले रहे हैं तो उसके साथ ये चीज लिखना जरूरी होती है। इसका मतलब ही यही होता है कि dy ओवर dx, और इसको हम लिख देते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे d ओवर dx ले लिया, अब d ओवर dx इसके साथ भी लगा देता हूँ, d ओवर dx लगा दिया। तो x के साथ x की पावर 24 लिखा था वो मैंने लिख दिया। तो डेरिवेटिव का बेसिक रूल क्या था कि पावर नीचे आ जाएगी और उस पावर में से कम हो जाएगा। तो सिंपल आपने यही काम कर देना है। तो जरा, और ये जो चीज़ है ये चीज़ खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने इसका मतलब होता है डेरिवेटिव लेना, तो आपने डेरिवेटिव का जो रूल है वो तो लगा दिया, तो इसकी वजह से ये चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है डी वाई ओवर डी एक्स, ये यूं का यूं ही लगा रहता है, सही है मेरे बच्चों। तो ये 24 ओवर x 24 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और 24 माइनस 1 हो जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि पावर में से एक कम कर देते हैं, बेसिक फार्मूला यही था हमारा। तो चलें जी, हम अब इसके ऊपर सिंपलीफाई करके मजीद इसको लिख देते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 24x x की पावर, अब 24 में से एक कम कर दोगे तो क्या बचा 23, सही है मेरे बच्चों। तो ये आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो dy ओवर dx इसके बराबर हुआ 24x की पावर 23, सही है। सिंपल क्या था कि पावर नीचे ले उसमें से एक कम कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया है, सही है मेरे बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी के साथ एक और क्वेश्चन करवा दें ताकि आपका प्रॉपर तरीके से दिमाग यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कभी भी किसी क्वेश्चन के ऊपर डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेते हैं। चले जी एक और ले लेते हैं, x की पावर मैं कहता हूं 5 ले लेता हूं, सही है। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव लेके बताओ, तो बेसिक रूल क्या था, पावर नीचे आ जाएगी और उसके ऊपर से पावर एक कम कर देंगे, पावर में से माइनस 1 कर देंगे, बस यही तो डेरिवेटिव लेना है। चले जी आए लेते हैं इसके ऊपर, तो आपने क्या किया सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया था उसको एक बार कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद लिखा टेक डेरिवेटिव, ठीक है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। अच्छा ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी नहीं, आपने कोशिश गलती से भी अपनी पास यानी कि जब पेपर कर रहे होंगे उसमें शॉर्ट फॉर्म कभी नहीं लिखा गया कि बोथ साइड को फुल फॉर्म ही लिखेगा। इस तरीके से सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो पता नहीं क्या समझते हैं, आपका क्वेश्चन काट देते हैं, ठीक है। तो लिहाजा कभी भी शॉर्ट फॉर्म जैसा नहीं यूज़ किया करें, पूरी चीज़ लिखा करें। ये क्योंकि वक्त कम था आपको मैं समझा रहा हूँ, आइंदा से कभी भी, क्योंकि मैं तो यूज़ कर सकता हूँ ना, आपको बात समझ आ गई, इसलिए मैं इधर बता रहा हूँ कि मैं लिख सकता हूँ बी और एस, इसका मतलब बोथ साइड है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि पूरे स्पेलिंग ही लिखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता दिया, ठीक है। और स्पेशली पेपर में ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे भी ले लिया और डी ओवर डी एक्स इस साइड पर भी ले लेंगे, तो डी वाई ओवर dx x की पावर 5, सिंपल। तो अब डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला क्या था कि पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, और उसमें से एक कम कर देंगे, तो चले जी वही काम करते हैं, 5 था, 5 नीचे आ गया और 5 में से एक माइनस कर देंगे। चले जी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x और 5 में से एक चला गया, 4 बच गया, तो सिंपल आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है मेरे बच्चों, dy ओवर dx। तो हम बोलेंगे कि भाई आपने इसका आंसर निकाल लिया है, डेरिवेटिव लेना, ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक उम्मीद है कि ये बेसिक रूल जो है डेरिवेटिव का आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो आगे इससे ही मजीद इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा ताकि ये चीज पक्की हो जाए। अल्लाह हाफिज़।